तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करें अफगानिस्तान वनडे कप BEA वर्सेस BOS के बीच। अफगानिस्तान वनडे कप लगातार अच्छा जा रहा है, यानी पूरे के पूरे सीरीज भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा है। अफगानिस्तान ODD का अब तक हम लोगों ने दो मुकाबला कवर किया, दोनों के दोनों मिनी GL क्लीनशिप गया है। तो मेरे भाई ये कल जो मुकाबला अफगानिस्तान ODD कवर किया, जी मिनी GL रैंक 2 है। देखो GL विन होने का बहुत बढ़िया चांस था, सारे के सारे गेंदबाज बल्लेबाज ही बचाता, वो सिचुएशन आप लोग समझ रहे होंगे। तो खैर कोई नहीं, आएगा GL भी आएगा। इनके अलावा और भी कवर किया था, वो भी सारा दिखाना ज़रूरी नहीं है। इनके अलावा वर्ल्ड कप भी सही जा रहा है, जो क्वालिफायर वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है वो भी सही जा रहा है। यानी भगवान की कृपा से लगातार 15 के 15 मुकाबला सही जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे मेरे भाई कि यह भी मुकाबला सही जाए। तो अगर यदि आप हमारे साथ इन सभी डोमेस्टिक मैच, वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल जो भी हमारे साथ खेलना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम पे ही तो मैं देता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, एकदम सिंपल मेरे भाई। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, 56.8 के सब्सक्राइबर के आसपास। यहीं पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक होता है उन्हीं के सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, बिल्कुल फ्री का फ़ायदा उठा सकते हो। फेक चैनल से सावधान रहना, हूबहू डोमेस्टिक नज़र आएगा लेकिन आपको लूट कर चला जाएगा। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पर स्कोर कार्ड देखते हैं। BD की टीम जो 370 रनों के अंदर ऑल आउट हो गया, ओ भाई नहीं सॉरी 37 रनों के अंदर ये ऑल आउट हो गया, यानी बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी मुश्किल सा नज़र आ रहा है। 37 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाना और सारे के सारे प्लेयर मोबाइल नंबर यहाँ पर 6-1-2-1-4-3, यानी कोई दोहरा अंक पे भी नहीं पहुँच पाया। ऐसा नहीं कि प्लेयर बुरा है, इस नूरी का रिकॉर्ड बढ़िया, इस अटल इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, इन जमल इंटरनेशनल खेल चुका है, नासिर वहादत की बात के बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेला है, करीम जन्नत के बारे में क्यों मैं बोलूँ भाई, ये भी इंटरनेशनल का जबरदस्त प्लेयर है, एफ साफी ये भी बढ़िया है, यानी बढ़िया बढ़िया प्लेयर होने की वजह से भी 37 में ऑल आउट होने की क्षमता रखता, ये एक बड़ी बात है। सामने वाली टीम का भी आधी परिवार यहाँ पर खत्म, 38 रन बनाने में सामने वाली टीम, यानी कि 38 और 37 जोड़ो, आप लोग जोड़ घटा करके देखो कितना होता है, करीबन 75 रन होता है। 75 रनों के अंदर 15 विकेट गिर जाता है मेरे भाई, बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में, अभी थोड़ा सा आसान हो गया लेकिन गेंदबाज को ज़्यादा मदद आता है। पिच जो है ना गेंदबाज के अनुकूल है, जो संभल कर खेलता है, गेंदों को ज़्यादा लेता है वो सही खेल जाता है। और ये अगर ये सोचेगा कि मैं गेंद प्रति रन खेलूँ या फिर थोड़ा सा चौके छक्के पे, तो वो सीधे घर की ओर जाएगा। बिलाल शमी यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई 3 विकेट लेंगे, करीम जना 2 विकेट लेंगे। अब दो ही गेंदबाज को मौका मिला, लेकिन अन्य और भी गेंदबाज है जिनको अभी मौका नहीं मिला लेकिन वो करेगा। लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, तो वो हम अभी कॉम्बिनेशन वक्त समझेंगे। तो दोस्तों सामने वाली टीम, ये मैच हम लोगों ने खेला था, एस सिरजाद 2 विकेट, काफ़ी अनुभवी इंटरनेशनल प्लेयर है यहाँ पर अफगानिस्तान का, हालांकि अभी फॉर्म खराब की वजह से नेशनल टीम पे वापसी नहीं हो रही है। यासीन अहमद जाई करियर रिकॉर्ड इतना गजब का है कि क्या बोलूँ, लेकिन प्रदर्शन सही नहीं कर पाए, लेकिन याद रखना इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया। शमसर रहमान जिनका सिलेक्शन बहुत कम था और हम लोगों ने पिक किया, अच्छा प्लेयर है, बल्लेबाजी भी करके आपको दे सकता है, मेडन शाह 2 विकेटें, अब लोगों का कैप्टन बहुत ज़्यादा हो गया। यूसुफ जजाई ठीक ठाक प्लेयर है, 1 विकेट 2 विकेट, कई बार 6 भी विकेटें ले गए, कई बार 0 भी विकेटें, तो ट्राई करने लायक है। एन खोराटे इनका देखो रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया, लास्ट सीजन भी अच्छा खासा कैप्टन बीसी दे सकते हो, गजब का स्पिनर है। पहले तो इनको ड्रीम इलेवन नोट पे लेंगे दिखाया, ड्रीम इलेवन के बारे में क्या बोला जाए, इतनी गलत गलत दे देता है, गजब के। अब्दुल बाकी गजब का रिकॉर्ड है, लेकिन 2.4 ओवर क्या ये चोटिल हो गया, इनकी जगह 2 ओवर नुमान शाह डाला, अगर यदि इनको इंजरी या कुछ भी आया होगा तो हो सकता है इस मुकाबले ना खेले, लेकिन अब्दुल बाकी एक बढ़िया गेंदबाज है ये भी आपको मानना पड़ेगा। एन शाह को हम लोगों ने विकेट कीपरिंग में पिक किया, 117 रन चढ़ गया। एन शेर डाली यहाँ पर 37 का योगदान दिया, ठीक ठाक, इनका भी रिकॉर्ड पूरा नहीं है, ऐसा नहीं कि 37 का योगदान दिया तो अच्छा है, इनसे पहले भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। डी रसूली एक नेशनल लेवल का प्लेयर आप मान सकते हो और रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो ट्राई करना चाहिए, तो ये दो ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आता है।
तो मेरे भाई बाकी कुछ नहीं देखेंगे, सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। एक टीम ऑलरेडी मैं बना के रखा। अब देखो ये जजाई इनका रिकॉर्ड जो है ना ज़्यादा बेहतर है, ये नेशनल टीम पे भी वापसी कर चुका था। लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो ये जजाई के ऊपर जा सकते हो। लेकिन एन सा अंडर 19 जो अफगानिस्तान का चल रहा था वहाँ पर बढ़िया किया, और रिसेंट मैच में भैया शतक जड़ा। पूरे सीरीज में सबसे बड़ा स्कोर ये एन सा ने जड़ा और हम लोगों ने भी पिक किया था। तो इम्पोर्टेंट और सेफ होना चाहिए, ये जजाई बुरा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नेशनल टीम पर भी वापसी कर चुका है। अब यहाँ पर एस नूरी के बारे में बोला जाए, करियर रिकॉर्ड ठीक ठाक ट्राई कर सकते हो। नूर अली जदरन एच जजाई खेलेगा तो इम्पोर्टेंट होगा, नेशनल प्लेयर है। आई जजाई खास ने नासिर जमल इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, अब मैं सोच रहा हूँ इनको पिक करूँ, टाइम आने पे पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर जाता है, लेकिन कि इनके जगह पिक करो ये बड़ा सवाल। डी रसूली को यहाँ पर पिक किया। अब देखो डी रसूली बल्लेबाज पर रिस्क ले सकते हो, बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज पिक कर लो, बल्लेबाज की जगह अरे भाई और कौन खेलेगा, ये भी खेलेगा खास नहीं, इनको पिक कर लो, तो ऐसा कर सकते हो, बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज लेकर। बाकी यहाँ से वाई अहमद जाई फर्स्ट मुकाबले में कुछ नहीं किया, लेकिन करियर रिकॉर्ड बोलता है कि कुछ करूँगा। करीम जन्नत कैप्टन बीसी का बढ़िया चॉइस होगा, दोनों चीज़ ये करेगा। हालांकि लास्ट मुकाबले में दोहरे अंक पे ये नहीं गया, दो विकेटें ले गया। शमसुर रहमान की बात के बढ़िया है, बल्लेबाजी आने पर बल्ले से योगदान देगा, हालांकि गेंदबाजी ठीक ठाक किया। अब यहाँ पर बात है अब्दुल्ला साफी गजब का लेग स्पिनर, इनके नाम दो विकटे एक विकटे, और वो टेस्ट इनका डोमेस्टिक चल रहा था वहाँ पर छः विकटे भी ले रहे थे। तो आई साफी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फरमुल्ला साफी ये भी 10 ओवर कन्फर्म करना चाहिए, तो ये भी मैं इनको पिक किया, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ से बिलाल शमी कैप्टन बीसी का बढ़िया चॉइस होगा, विकेट लेस ये नहीं जाता है, पहले गेंदबाजी करे बीए की टीम, तो कैप्टन बीसी का अच्छा चॉइस होगा। वाई जजाई चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड बुरा नहीं है, ये 7 से 8 ओवर कन्फर्म डालेगा और अच्छे लाइन लेंथ एक दो विकेट लिए जाते हैं। इस सिरजार डेथ का बेस्ट है, पहले गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट, सेकेंड गेंदबाजी में ड्रॉप भी कर सकते हो। एन खोरेटे की बात की है, सबसे बढ़िया स्पिनर है, और पहले गेंदबाजी हो बाद गेंदबाजी हो जो भी इनको ट्राई करना है, कैप्टन बीसी के बारे में सोचते रहना है। देखो अब्दुल बाकी को पिक करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, अब किनके जगह पिक करो ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों डी खान अगर यदि खेलेगा तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, फिलहाल जो खेला उनके ऊपर देखते हैं, लाइनअप के बाद तो वो भी चेंज होगा। देखो करीम जन्नत कैप्टन बीसी का सेफ चॉइस होना चाहिए और दे भी दो। अब बीसी के लिए देखो पहले गेंदबाजी करेगा करीम जन्नत की टीम, तो बीसी हमारा बिलाल शमी होगा, या फिर इनको भी दे सकता हूँ, एन खोरेटे को भी दे सकता हूँ। तो ये दो बातें निर्भर करेगा कब वो पहले गेंदबाजी बल्लेबाजी पे। वाई अहमद जाई फर्स्ट मुकाबले में कैप्टन बीसी हम लोगों ने ट्राई किया था, फिर से ये इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए और भगवान हम लोगों का लक सही सटीक दिशा में ले जा रहा है। उम्मीद करेंगे और भी बेहतर लग दे, आप लोग भी भगवान से दुआ करो, मैं भी करूँ कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा जाए, मिलकर प्रॉफिट कमाएँ।